नवंबर 11 से लेके नवंबर 22 2024 तक क्या होगा अजरबैजान के बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मतलब यूनाइटेड नेशन इधर देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज शो है ना ये जो कन्वेंशन है वेरियस कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होता है इसमें इस कन्वेंशन के थ्रू क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तो इस कन्वेंशन की ट्वेंटी नाइन्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होगी अज़रबैजान के बाकू में किन चीजों पर फोकस होगा देखो इस बार जो है वो फोकस किस पे किया जा रहा है फाइनेंस पे किया जा रहा है आप यहाँ देख सकते हो इसको जो है फाइनेंस कॉप भी कहा गया है और इस पे फाइनेंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा बिकॉज काफी टाइम से डेवलप्ड कंट्रीज ये एक्सपेक्ट डेवलपिंग uh, कंट्रीज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो डेवलपिंग uh, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे दें टेक्नोलॉजी दें सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने यहाँ पर एमिशन को कम कर सके बट देखो डेवलप्ड कंट्रीज दे ही नहीं रही है उतना तो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के मीटिंग में फाइनेंसिंग पर फोकस होगा कि डेवलप कंट्रीज अपनी तरफ से कमिटमेंट दे कि कब पैसे देंगे और कितना पैसे देंगे सो दैट पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो भी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके तो इसको दूसरा नाम जो दिया गया है दैट इज सी न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल राइट या फिर हम कहें एन सी क्यू जी राइट जिसमें डेवलप कंट्रीज टारगेट देंगी फाइनेंस के लिए एंड होस्ट कंट्री अजहरबाईजान जो है तो उन्होंने भी जो है इस पर कुछ एजेंडाज रखे हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो सी है कुछ एजेंडाज रखे हैं सबसे पहला जो एजेंडा रखा है उन्होंने कि वेरियस कंट्रीज बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी को सिक्स टाइम्स कर देंगी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को एक्सपैंड कर देंगी ऑर्गेनिक वे से जो मिथेन एमिट होती है ना उसे कम करेंगी ये देखो सबसे लास्ट वाला और ये जो पूरा आर्टिकल है वो किस पे डिपेंड uh, करता है वो पूरा कट मिथेन एमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट पे ही है राइट right? सो so, अभी देखो मिथेन का अगर हम देखें जो मिथेन के क्लाइमेट इंपैक्ट्स है ना वो बहुत सेवियर है और वो अराउंड थर्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करते हैं और ये हमने प्री इंडस्ट्रियल एरा से नोटिस नोट uh, किया है और इसके जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ती जा रही है ऑन आई हंड्रेड ईयर टाइम स्केल मिथेन ट्वेंटी एट टाइम्स ग्रेटर है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट करने में देन कार्बन डाइऑक्साइड और इट्स एटी फोर टाइम्स मोर पोटेंट ऑन ट्वेंटी ईयर्स टाइम स्केल इसका मतलब ये है कि अगर हमने मीथेन को कट uh, कर दिया दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड अगर हमें नियर टर्म टेम्परेचर राइज को स्लो डाउन करना है और अगर हमें कुछ टाइम बाय करना है लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के लिए जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या होगा स्टेबलाइज होगा राइट अभी देखो कॉमन ग्राउंड की बात कर लेते हैं यूएस एंड चाइना में डिस्पाइट अगर हम देखें यूएस एंड चाइना के बीच में टेंशन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस जैसे मिथेन पे इनके कॉमन ग्राउंड इनको मिला है दोनों कंट्रीज ने क्या किया था हैंड्स या फिर हम कहें हाथ मिलाए थे विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कप कॉप ट्वेंटी में दुबई में जो हुआ था नवंबर से दिसंबर के बीच में और उन्होंने समिट किया था स्पॉन्सर किया था एक समिट ऑन मीथेन एंड नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये जो नवंबर 2023 में चाइना ने एक फर्स्ट नेशनल प्लान भी रिलीज किया था फॉर कंट्रोलिंग मीथेन एमिशन और ये प्लान जो है वो स्पेसिफिक टारगेट uh, कर रहा था इन फेवर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और चाइना ने यू नो सिग्नल किया था कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं uh, कि वो मिथेन मतलब जितना प्रोड्यूस हो रहा है उनके कंट्री में और उसके लिए एक्शन लेने को भी रेडी है और वो कॉपरेट भी करेंगे यूएसए के साथ अभी इंडिया की अगर हम बात करें वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथोपोजेनिक एमिशन जो है इंडिया से होता है चाइना और यूएस के बाद और इनके पास एक ऑपरचुनिटी है टू लैवरेज यूएस एंड चाइना मिथेन पार्टनरशिप जिससे वो सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की सपोर्ट ले पाएंगे अगर इंडिया के थर्ड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट की बात करें टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो कंट्री ने एमिट किया है 409 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट मीथेन 2016 में जिसमें हमने लैंड यूज और फॉरेस्ट्री को एक्सक्लूड किया एग्रीकल्चर के साथ 74% परसेंट वेस्ट था और वेस्ट फॉर 14 मतलब 74% परसेंट वेस्ट फॉर 14% परसेंट फोर्टीन परसेंट और एनर्जी के लिए 11% परसेंट और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वन परसेंट तो अगर हम देख रहे हैं कि मेथेन के जो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स है वो क्लाइमेट चेंज के भी बियॉन्ड जाते हैं फायर जो होती है वेस्ट डंप साइड पे फॉर एग्जांपल वो स्पाइक्स क्रिएट कर देती है या फिर हम कहें एयर पोल्यूशन बढ़ाती है और 2022 में देखने को मिला कि एक दो वीक फायर हुई दिल्ली के भालसवा डंप साइड पे जिसकी वजह से पर्टिकुलर मेटर्स की कंसंट्रेशन 30 परसेंट से 70 परसेंट अब पहुंच गई थी बेस से और जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पे जिसको यू नो वो किया गया देखा गया अब अगर हम देखें डोमिनेंस जो है ना एग्रीकल्चर का पर्टिकुलरली लाइफ स्टॉक एंड राइस कल्टीवेशन इसकी वजह से इंडिया बहुत हेजिटेंट रहता है इस चीज़ को अनाउंस करने के लिए कि मिथेन के टारगेट्स मतलब मिथेन रिडक्शन टारगेट्स या फिर वो साइन नहीं देता बेसिकली ग्लोबल मिथेन प्लेज की तरफ राइट ना ही उन्होंने दिया ऑल दो इंडिया चाहता है कि वो अपना मिथेन का प्रोडक्शन रिड्यूस कर दे और अभी जैसे देख पा रहे हैं कि यूएस और चाइना ने फोकस किया है मिथेन के रिडक्शन के ऊपर और कहीं ना कहीं इंडिया भी उनकी असिस्टेंस ले सकता है राइट right? अभी चैलेंजेस क्या है देखो इंडिया के लिए इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेसिफिकली राइस कल्टीवेशन और लाइफ स्टॉक ये डोमिनेंट सोर्स ऑफ मिथेन एमिशन है जिसकी वजह से ये सेक्टर को बहुत चैलेंजिंग सेक्टर होता है जिसमें हम मिथेन को रिड्यूस कर सकते हैं हेजिटेशन है ग्लोबल मिथेन प्लेज की तरफ साइन uh, करने के लिए बिकॉज ऑफ दी एग्रीकल्चर सेंट्रल रोल इन इंडियन इकोनॉमी ना वॉट आर द टेक्निकल चैलेंजेस इन डेटा कलेक्शन अगर हम एमिशन देखें ना एमिशन डेटा जो है इंडिया का स्पेशली मिथेन फ्रॉम वेस्ट काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करता है क्वालिटी एंड एक्यूरेसी पे सेटेलाइट मॉनिटरिंग की गई सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई पे, तो एक्चुअल एमिशन जो है 50 से 100 प्रतिशत के बीच में देखा गया राइट right? ऑपरचुनिटीज क्या है देखो इंडिया जो है इंटरनेशनल एफर्ट का लैवरेज उठा के Uh, if, uh, कर सकती है सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट स्पेशली इन वेस्ट मैनेजमेंट राइट इफ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक इनिशिएटिव इन वेस्ट मैनेजमेंट इंदौर मॉडल जो इंप्लीमेंट किया गया सिटी वाइड ऑर्गेनिक वेस्ट सॉर्टिंग एंड यू नो बायोमिथिन प्लांट जो फ्यूल करते हैं सिटी के बसेस को गोवर्धन स्कीम जो इंसेंटिवाइज करती है यूज ऑफ केटल वेस्ट टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी स्पेशली इन रूरल एरियाज नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटिव नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रमोट करता है क्लाइमेट रिजिलेंट प्रैक्टिस जिसमें मिथेन रिडक्शन टेक्निक्स आती है राइस कल्टिवेशन में नेक्स्ट वी हैव नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो इंप्लीमेंट करता है मिथेन मिटिगेशन प्रैक्टिस सच एज ग्रीन फॉर्डर प्रोडक्शन शाफ कटिंग जिससे एमिशन रिड्यूस होगा फ्रॉम लाइफ स्टॉक So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.